हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए शेयर के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं एमसी लियोड रूशियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है, जो कि आपको एनएससी में मिल जाएगा। एमसी लियोड रश के नाम से यहाँ पे मिल जाएगा आपको। एनएससी और बीएससी दोनों में ही ये ट्रेड करता है। ये बीएससी, ये एनएससी दोनों में ट्रेड करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों को एंट्री भी मिली। ऐसी बात नहीं है कुछ अपर सर्किट में एंट्री भी नहीं मिलती, यहाँ पे एंट्री भी मिली और लगभग 4.84% का अपर सर्किट हमें देखने को मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सीरियसली, मतलब जितने भी पैनी स्टॉक्स होते हैं, अगर हम राइट टाइम पर वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं अपर सर्किट वाले में, तो बहुत अच्छे यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट भी बना सकते हैं। बात करते हैं 5 डेज़ के अकॉर्डिंग, तो 5 डेज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी कुछ टाइम से यहाँ पर डाउन सिनेरियो था, बट स्टिल अभी काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक रिकवरी, बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। एंड क्या ये रिकवरी अभी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या हम अभी बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम किस पॉइंट पर हमें बाय करना चाहिए, एंड क्या शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। मैं आपको दिखा देती हूँ 1 मंथ के अकॉर्डिंग जो है 9.98% का यहाँ पर सिनेरियो है। 6 मंथ के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 31% है। 1 ईयर के अकॉर्डिंग 11%, मतलब ऑलमोस्ट देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में रेड शो हो रहा होगा अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर लिया होगा तो, क्योंकि 5 ईयर में थोड़ा बहुत हमें डाउन दिख रहा है। बट डाउन के अकॉर्डिंग अगर आप एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन करिए, यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करेंगे तो धीरे धीरे ना ये शेयर अपने आपको बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, अगर हम लोग एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, आप देख सकते हैं nseindia.com, ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे एम ऑर्डर लगा हुआ है। 7,64,000 का एम ऑर्डर है, जो कि हमारे लिए प्रोबेबिलिटी है कि कल भी इसमें अपर सर्किट लगने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस एम ऑर्डर। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक लॉजिक होता है, उसके रीजन्स होते हैं। उस लॉजिक और रीजन की वजह से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अपसाइड जाने की। जो शेयर गिर रहे हैं, देखिए हम हैं इन्वेस्टमेंट वाले, ठीक, इन्वेस्टमेंट में जो शेयर गिर रहे हैं हमें उसमें क्या ही एंट्री मिलेगी। जब एंट्री मिलेगी तब आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। जो अभी के टाइम में अपसाइड में जाने वाले हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए ना, ना कि जो गिर रहे हैं फिर उस पर देखो, उस पर 10-15 दिन वेट करो फिर ट्रेड मारो। इससे तो और भी स्टॉक्स, उसको स्कैन करो और दूसरे स्टॉक्स में एंट्री ले लो। मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये हम लोग देख सकते हैं आज का जो लो गया था 28.5, हाई गया 30.3, मतलब काफ़ी अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एंड मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देती हूँ। इसकी जो स्ट्रेंथ है हमारी 4, इसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 5 है, अपॉर्चुनिटी 3 है, पॉजिटिव ब्रेकआउट, सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर देता है। और मैं इसको आपको ना थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। जब भी ब्रेकआउट मिलता है हमें बहुत अच्छा पोर्शन एक देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव ब्रेकआउट, सेकेंड रेजिस्टेंस LTP इज ग्रेटर देन सेकेंड रेजिस्टेंस। मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये रहा हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है एनएससी पे। अगर आप लोग देखेंगे तो बीच में ना ये जो पोर्शन था यहाँ से काफ़ी अच्छा मार्केट गई थी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा साइडवेज चली गई, फिर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखाया और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ना। यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था और यहाँ पे आज मार्केट ने, यहाँ तक कई लोगों को एंट्री भी मिली है। इवन जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, हमारा ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा 32 का, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर 32 को ब्रेक करता है अपसाइड से तो हम लोग अपना टारगेट कंसीडर कर सकते हैं 40 का, अदरवाइज यहाँ पे लेके, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने, देख सकते हैं इस टाइप से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अगर, जैसे हम लोग अगर सेफ ट्रेडर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। जो लोग सेफ ट्रेडर हैं आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ तक कुछ टाइम तक हम लोग वेट करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है मार्केट में, तो हम लोग वेट कर सकते हैं। बाकी ये कि प्रीवियस डे का लोग आप लोग ऐसे लगा के रखो तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे भी अगर किसी ने लिया होगा ना, मान लो यहाँ पे एंट्री ली, तो प्रीवियस डे का लोग अगर ऐसे लगा कर रखा होगा तो उसने यहाँ तक मार्केट को कैप्चर किया हुआ है ना। तो प्रीवियस डे का लोग ऐसे लगा कर रखो, काफ़ी अच्छा प्रीवियस डे का जो लो है वो आप लोग कंसिडर कर सकते हो। क्लोजिंग की बात नहीं करी है, खुदा प्रीवियस डे की क्लोजिंग नहीं करी, प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे का छोटा सा एसएल लगा के आप रख सकते हो, ताकि जब हमें बड़े मूव्स मिले तो हम लोग उस मूव्स को कैप्चर कर सकें। जैसे प्रीवियस डे का लो का आप लोग कैसे लगा के, हो सकता है मार्केट ऐसा डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दे, तो जो बंदे ट्रेड में होंगे वो यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं।
तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 32, सेकंड टारगेट रहेगा 40 का, क्योंकि इसलिए 40 का क्योंकि उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, पूरा का पूरा गैप है ये, तो उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है, राइट। एंड मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है हमारा ज़्यादा रिस्क हम लोग ये क्यों डाउन जा रहा है, बिकॉज इसका जो स्टैंड अलोन का 14.54% का जो इसका रिजल्ट था सेप्टेम्बर का वो डाउन आया है, एंड 361.04 करोड़ का यहाँ पे डाउन मोमेंटम है, लगभग 14.5% का है यहाँ पे। इसकी वजह से और आज का मूव देखेंगे काफ़ी अच्छा मूव है यहाँ पे, एंड टूडे 17 लाख का यहाँ पे हमें वॉल्यूम की एनालिसिस देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी है, जिस वॉल्यूम की वजह से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वॉल्यूम की वजह से जा रहा है तो एक यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है 32 पे, हो सकता है फेस करके यहाँ से फेस करके फिर से डाउन आए, तो डाउन आएगा तो फिर से हमें एक ट्रेड मिलेगा, अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देगा तो हम यहाँ पे एक जहाँ तक हमारा टारगेट है तो हम दोनों चीज़ के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कुछ क्वांटिटी, आप लोग कुछ का मैक्सिमम क्वांटिटी एग्जिट कर लेना, थोड़ी बहुत क्वांटिटी मतलब कि 10% है या 20% की क्वांटिटी आप होल्ड आउट करके रख सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ दिस, अगर मार्केट जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना यहाँ तक जाने का प्रोबेबिलिटी जो है ना वो थोड़ा सा रिस्की है, रिस्की है क्योंकि इसका क्वार्टरली का रिजल्ट नेगेटिव है, मैंने आपको अभी दिखाया था। और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या पोर्शन बनता है हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा हमारा, ये इसकी मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है, ये हम पूरा का पूरा ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो फंडामेंटल है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें देखिए और वीडियो में लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। करंट प्राइस देख सकते हैं 30.4, एंड हाई गया 41.4, लो गया 18, फेस वैल्यू है 5, आर ओ ई है -10.4, आर ओ सी है 0.07%। बात और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, यहाँ से हमारा प्रॉस देख सकते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, कौन से इसमें ज़्यादा है, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, प्रमोटर की हेल्दी होल्डिंग देख सकते हैं 6.24, लास्ट 3 ईयर्स -7.68, एंड बाकी सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वार्टरली का रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा है हमारे लिए, पहले तो थोड़ा सा नेगेटिव में ही था, बीच में 2020 इसके लिए काफ़ी अच्छा था, और अभी देखेंगे तो पहले का था -38, और अभी सेप्टेम्बर का अगर हम लोग देखेंगे तो प्लस में वो भी 131 है, ये आप देख सकते हैं -38 है, और सेप्टेम्बर का देखेंगे तो 131 है जो कि पॉजिटिव में, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। एंड प्रॉफिट लॉस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमें थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, बट देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टरली का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, आई एम नेगेटिव क्वार्टरली का रिजल्ट, इसमें नेगेटिव इसमें तो पॉजिटिव ही शो हो रहा है, क्वार्टरली का रिजल्ट तो नेगेटिव है क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो हमें नेगेटिव में दिख रहा है। खैर देखते हैं यहाँ पे जो जो दिखा रहा है, बैलेंस शीट का देख लेते हैं, बैलेंस शीट मतलब ऑलमोस्ट एवरेज ही है ना, बढ़ा है ना घटा है, ये भी सेम ही एवरेज है, रिजर्वेशन और बोरिंग्स भी उतना का उतना ही है, इनफैक्ट बीच में थोड़ा सा पे हम डाउन, इतना भी डाउन नहीं है, मतलब थोड़ा सा 40-50 ही डाउन है, 70-80 उसको हम डाउन नहीं कह सकते ना, ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इन लोगों ने काट रखी है, देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, सारा पैसा जो है पब्लिक का पैसा, पहले 53.06% था, अभी देख सकते हैं 88.4% है, तो कहीं ना कहीं हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा ठीक भी है बट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्यारा सा बेल आइकन दिया होगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, जैसे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप समझ ना पाए, एंड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर किसी शेयर का रिगार्डिंग आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई क्वायरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।